हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको साड़ी में बहुत इजी तरीके से बेल्ट लगाना दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मेरा साड़ी का आँचल है, तो आँचल मैं माप के देख लेती हूँ कितना है, क्योंकि ये दो कलर का साड़ी है। जितना आँचल है उतना ही मैं रखूँगी। नॉर्मली 2.25 मीटर का आँचल रखा जाता है, तो मैं आपके देख लेती हूँ कितना है। तो मेरा 2 मीटर पूरा है, तो मैं 2 मीटर ही पूरा रखूँगी। साड़ी का लेंथ में 32 इंची ले रही हूँ, तो मैं 32 इंच में पूरी साड़ी में निशान दे दिया हूँ। अभी मैं इन निशानों को कटिंग कर लूँगी। जितना भी आपका साड़ी का लेंथ हो, नीचे से नापिएगा जितना भी होगा, उससे 1/2 इंच कमती लेके कटिंग कीजिएगा। मेरा 32.5 इंच है, तो मैं 32 इंच में कटिंग कर रही हूँ। अभी मैं जहाँ से कटिंग किया वहाँ से मैं 12 इंच में निशान दे दूँगी प्लीट के लिए। अभी मैं इस तरह से 6 निशान दूँगी 12-12 इंच में। तो अगर आपका साड़ी छोटा हो तो आप 5 निशान भी दे सकते हैं। तो मेरा साड़ी लंबा है, इसलिए मैं 6 निशान दे रही हूँ। अभी सभी निशान को इस तरह से 12-12 इंच का निशान को इसे पकड़ूंगी और पिन अप कर लूँगी। एक के ऊपर एक को अच्छी तरह से रखना है और पिन अप कर लेना है। आप पिन अप भी कर सकते हैं, आप सुई धागों में वैसे भी आप कच्चा सिलाई भी कर सकते हैं। और इसको मैं स्टिचिंग कर लूँगी। अभी मैं कमर पट्टी के लिए बकरम पीस कटिंग किया हूँ। इसका फॉर्मूला है, आपका जितना भी कमर हो उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। उसके बाद उसमें 4+ करने के बाद जितना निकलेगा वो उतना ही आपको छोटा वाला बकरम पीस को कटिंग करना है। तो मैं 12 इंच का कटिंग किया हूँ। देखिए, अभी ये इलास्टिक पीस से कटिंग किया हूँ इसको। ये भी वही फार्मूला में है, जितना भी आपका कमर है उतना उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जितना होगा उतना ही लीजिएगा, लेकिन 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा दो तरफ स्टिचिंग के लिए। और ये बड़ा वाला बकरम पीस है, तो अभी मैं छोटा वाला बकरम पीस में इलास्टिक को रखूँगी और स्टिचिंग कर लूँगी। और बड़ा वाला पीस को भी इलास्टिक के ऊपर रखूँगी, इस तरह से रख के स्टिचिंग कर लूँगी। अभी साड़ी में से जो फैब्रिक निकला था उसी को हम लोग कमर पट्टी के लिए यूज़ करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम लोग स्टिचिंग कर लेंगे। बड़ा वाला बकरम पीस को पहले हम लोग को स्टिचिंग करना है। अभी इलास्टिक के पास हम लोग को इस तरह से खींचते हुए स्टिचिंग करना है। अभी फोल्ड करते हुए दोबारा से फिर से स्टिचिंग करना है। इलास्टिक को हम लोग को खींचते हुए स्टिचिंग करना है।
अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। इलास्टिक को खींचते हुए इस तरह से स्टिचिंग करना है। अब ये हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए बाकी फैब्रिक को कटिंग कर लेना है। अभी इलास्टिक के पास कटिंग करने के लिए अभी हम लोग को ये वाला को हम लोग को अभी मशीन के ऊपर इस तरह से रखना है और उसमें सुई को फंसाना है और इस तरह से खींचते हुए हम लोग को कटिंग करना, नहीं तो कटिंग करते समय छोटा बड़ा हो जाने से स्टिचिंग करने बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए इस तरह से मशीन में फंसा लीजिएगा पहले और इस तरह से खींचते हुए आप लोग आसानी से कटिंग कर सकते हैं और फिनिशिंग से भी कटिंग होता है इस तरह से करने से और इजीली भी कटिंग हो जाता है दोस्तों। इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा कटिंग करने के लिए। अभी हम लोग कमर पट्टी को साड़ी के उल्टी तरफ रखेंगे, जहाँ से प्लीट डाले हैं वहीं से हम लोग को स्टिचिंग करना है स्टार्ट। अब छोटा वाला बकरम पीस से हम लोग को स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है। अभी देखिए अभी हम लोग का जहाँ से हम लोग कटिंग किए थे एक्स्ट्रा जो ऊपर में हम लोग का था हम लोग का फैब्रिक उसको हम लोग को इस तरह से प्लीट देते हुए एडजस्ट करना है इस तरह से और कमर पट्टी के अंदर इस तरह से रखना है इस तरह से और स्टिचिंग कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके फोल्ड करके अच्छी तरह से स्टिचिंग करना है। अभी मैं जहाँ से प्लीट डाला हुआ वहाँ से मैं इंचरे को रखते हुए 12 इंच में निशान लगा लूँगी। जितना भी आपका कमर हो आप लोग उतना में निशान लगाइएगा और ये 2 इंच का मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ आई पट्टी के लिए। फैब्रिक का आई पट्टी लगाने से दोस्तों अगर आपका कमर छोटा बड़ा हो तो भी एडजस्ट हो जाता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होता पहनने में।
जहाँ से मैं 32 इंच का निशान लगाई थी वहीं से मैं आई पट्टी को जुड़ना स्टार्ट किया हूँ। इस तरह के हुक आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा कहीं भी। तो इसको आपको जहाँ से हम लोग प्लीट डालें वहीं पर हमको लगाना है और साड़ी के उल्टी तरफ हम लोग को लगाना है। देखिए इस तरह से आप लोग छोटा बड़ा करके पहन सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।